So, hello friends, today we will discuss about the hydroboration of alkenes or hydroboration oxidation or HBO. ठीक है, ये reaction जो है आपकी anti Markovnik half reaction मतलब product बनता है, इसमें addition of water होता है, लेकिन according to anti Markovnik half and it is regioselective. तो रेजियो सेलेक्टिव मीन्स आपका दो पोजिशनल आइसोमर बनते हैं, ठीक है, एक OH यहां पर आ जाता है, एक OH यहां पर आया हुआ है, तो ये जो आपका मेजर है और दूसरा माइनर है. तो आपका इसमें आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, बोरेन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, और एन एडिशन इज ओवर विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, आप और ऐड कर देते हैं जिससे कि आपका ये रिजल्टिंग प्रोडक्ट अल्कोहल बनता होगी एंटी मार्कोनिक काफ रूप से. सो द एडिशन ऑफ बोरेन टू एल्कीन फॉलोड बाय हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड इज कॉल्ड हाइड्रोजन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. तो एच सी ब्राउन ने इसकी डिस्कवर करा था, उससे पहले लोगों को मार्कोनिक काफ प्रोडक्ट तो बना सकते थे, लेकिन एंटी मार्कोनिक काफ एल्कोहल बनाना हो तो उन्हें बनाने में बहुत दिक्कत थी, डायरेक्ट बना ही नहीं सकते थे. तो एचसी ब्राउन ने ये मेथड आपका डिस्कवर करा था जिसके लिए उन्हें 1979 में नोबल प्राइज मिला. तो अब हम इसकी ऑक्सीडेशन की जो मैकेनिज्म है इसमें स्टार्टिंग आपकी डाइबोरेन्स होती है, डाइबोरेन जो होता है BH3 की दो यूनिट्स होती है जो जुड़ी होती है, और इसमें मतलब एक अलग तरीके की बॉन्डिंग होती है, थ्री एटम, ठीक है, थ्री सेंटर्ड बॉन्ड कह देते हैं, बनाना बॉन्ड भी कह देते हैं, ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तीन सेंटर में डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो इसको डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो ये आपका बोरेन के साथ एक इक्विलिब्रियम में रहता था, बोरेन के पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज है, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करे तो इट वर्क्स एज इलेक्ट्रोफाइल, एक बिल्कुल सिंपल सी चीज है. अब ये आपका THF होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है, ये आपका फ्यूरॉन होता है, तो इसमें चार हाइड्रोजन और लगा दी तो ये बन गया आपका टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन. ये बोरेन जो होता है अपने आप में फ्लेमेबल भी होता है, टॉक्सिक भी होता है, तो इसलिए इसका डायरेक्ट यूज करना मतलब जो होता है वो डेंजरस होता है, तो इसलिए इसे THF के साथ यूज करते हैं, तो THF के साथ ही अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, तो जो है आपका सॉरी ये जो है H बना दो इसको, तो ये अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसको आप इस तरीके से डिनोट कर देते हैं BH3 THF से, तो जो आगे आपका रिएक्ट करेगा एल्कीन से और एडिशन कंपाउंड बनाएगा जिसका आगे फिर ऑक्सीडेशन करके, और ये जो है आपका बहुत ही कम तो माइनर आपका जो बनता है. तो बोरोन एड्स टू डबल बॉन्ड इन सिंगल स्टेप, बोरोन एड्स टू द लेस हिंडर्ड लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एंड हाइड्रोजन एड्स टू मोर सब्स्टिट्यूटेड पर ऐड होती है, फिर जो ये आपका बनता है. सो जो आपकी अल्काइल बोरेन फॉर्मड होती है दैट रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन टू फॉर्म डाई अल्काइल, देन रिएक्ट्स विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन टू फॉर्म ट्राई अल्काइल बोरेन, और इस तरीके से आपका एक मॉलिक्यूल BH3 3 मॉलिक्यूल एल्कीन से रिएक्ट करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राई अल्काइल बोरेन बनाती है, इसका आगे आप जो है ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है ना, बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, तो वो आपका अल्कोहल दे देती है. तो इसकी मैकेनिज्म इतनी ही है, हमारे सिलेबस में काफी है जो इतनी IIT JEE में पूछी जाती है, और इसकी अब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस. तो
आपका इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में सिन एडिशन होता है, ठीक है, तो BH3 के दोनों एटम्स आपको ट्रांजिशन स्टेट दिखाई गई है कि एक साइड जुड़े हैं और वो फिर स्ट्रेन से ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल नेचर ले लेते हैं, जो आपका SP2 हाइब्रिडाइजेशन वो SP3 में कन्वर्ट हो जाता है और BH2 को रिप्लेस कर देता है OH नेगेटिव आयन, ठीक है, जो आपका H2O2 और OH से आता है। तो इसमें सिन एडिशन होता है, आप इसकी मैकेनिज्म में ध्यान रखेगा, जबकि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में आपका जो है आपका एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। तो इसमें आपका इसका आप नाम बनाने की कोशिश कीजिए क्या बनेगा, ठीक है, तो ये आपके दोनों ट्रांस बैठेंगे, ट्रांस और 2-methyl साइक्लो एक्से नो, ठीक है। तो कन्वर्ट कीजिए 1-methyl cyclopentanol to 2-methyl cyclopentanol, ठीक है, वीडियो को यहीं पर रोक के सोचिए कैसे बना सकते हैं, फिर सॉल्यूशन देखिए। तो आपका 1-methyl cyclopentanol ये बनेगा, टू मिथाइल, ठीक है, ये आपका बना। तो इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले इसको ये बनाना चाह रहे थे, तो इसके आप H2SO4 के साथ डायलूट के साथ कराइए, तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और इसका HBO करा दीजिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, आपका BH3 THF वाटर फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड में H2O2 और NaOH, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो इस रिएक्शन के आप प्रोडक्ट्स तीनों के बनाइए, ठीक है, फिर इनके सॉल्यूशन देखिएगा। तो इसमें फर्स्ट में आपका एडिशन ऑफ वाटर होगा, ठीक है, इसमें आपका कार्बो का टाइम बनेगा, रीअरेंजमेंट की तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, यदि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती तो आप रीअरेंजमेंट करते, इसमें भी आपका एडिशन ऑफ वाटर होगा, मार्कोनी का फूल सही अल्टीमेट जो प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की मैकेनिज्म है, रिएक्शन है, और ये आपके HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें ये वही पॉज करके फिर सॉल्यूशन देखेगा। तो इसमें क्या होगा, आपका पहले कार्बोकैटायन बनेगा यहां पर, और कार्बोकैटायन में जो है आपका यहां पर H ऐड हो जाएगा, यहां पर ये कार्बोकैटायन बनेगा, इसमें 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा CH3 पॉजिटिव CH3 और फिर इसमें आपका OH ऐड हो जाएगा वाटर से, ये बन जाएगा CH3 की ओल्डवाइज CH3। इसमें आपका सीधा सीधा एडिशन ऑफ वाटर होगा विदाउट रीअरेंजमेंट, ये बनेगा, और मार्कोनी का फुल फॉलो होगा, ठीक है, इसमें आपका एंटी मार्कोनिक आप रूल होगा, ये प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप यदि इथाइलिन ले लें तो उसमें आप कोई सी भी कंडीशन लगा दीजिए,
ठीक है ना, ठीक है, 1 2 3 कोई सा भी आप केस यूज कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट इथेनॉल ही बनेगा, ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ भी लगा दीजिए आप, डायलूट H2SO4 ले लीजिए या ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन लगा दीजिए या आप HBO लगा दीजिए, सेम प्रोडक्ट ही बन। तो दिस इज ऑल अबाउट दी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मार्कोनी का रूल, एंटी मार्कोनी का और ऑक्सीमर्क्यूरेशन रूल और आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ध्यान रखिएगा जब आप डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं कार्बोकैटायन बनता है, उसमें रिएजमेंट की पॉसिबिलिटी देखनी होती है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में आपका एडिशन प्रोडक्ट बनता है और वो मार्कोनी का रूल फॉलो करता है, ठीक है, वाटर ऐड करके, और जो HBO है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें आपका जो है